गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और बेसिकली अभी तो साइंस हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले थोड़ा सा साइंस के बारे में जानना जरूरी है कि साइंस है क्या। साइंस एक्चुअली नॉलेज है ना। साइंस किसका नॉलेज है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताता है, एंड बायो जो है एक्चुअली वो नेचर के बारे में बताता है कि हाँ प्लांट कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, एंड हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेसिकली तुमको आउटर वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे, मैटर के बारे में बताएंगे, मटेरियल्स के बारे में बताएंगे, एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, है ना, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, कैसे वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ग्रेविटेशनल हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, स्पीड, वेलोसिटी। एंड केमिस्ट्री में जाओगे तो रिएक्शन एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब के बारे में जानने को मिलेगा। बेसिकली हम तो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एंड देन केमिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस किया, है ना। तो केमिस्ट्री बेसिकली पहले से तो था, केमिस्ट्री आज से नहीं, बहुत पहले से ही केमिस्ट्री को लोग फॉलो करते आए हैं, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। लेकिन पहले के लोग उतने भी मतलब सियाने नहीं थे, उतने भी मतलब दिमाग वाले नहीं थे। तो जितना भी केमिकल एक्सपेरिमेंट होते थे वो करते थे, उनको वो जादू टोना का नाम देते थे कि हाँ ये मैजिक हो रहा है, या ब्लैक मैजिक हो रहा है, या सिंपल मैजिक हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये मैजिक हो जाता है, कुछ पानी में कुछ चीज़ मिला दो एंड वो कलर चेंज हो गया, तो दैट मीन्स इट्स मैजिक। तो उनको वो केमिकल रिएक्शन समझ में आता नहीं था, बट उनको मैजिक समझ में आता था, और रिचुअल समझ में आते थे, मैजिक समझ में आता था। इसीलिए जितने भी वो जो ये सब हरकत करते थे, जो फिलोसोफर्स थे, जो स्पिरिचुअल, जो फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल फील्ड को स्टडी करते थे, एंड केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते थे, कुछ कुछ नई चीज़ें बनाते थे और मेटल वर्क करते थे, इन सब चीज़ों को नाम देते थे अल्केमी। अल्केमी बस एक, जैसे अभी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं वैसे ही पहले अल्केमी हुआ करते थे, है ना। अल्केमी बस एक ब्रांच था कि जो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहा होगा, एंड वो जो भी चीज़ स्टडी करते थे उसको किसी भी फिलोसॉफिकल एंगल दे देते थे एंड स्पिरिचुअल एंगल देते थे, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ होता था तो उसको वो आइधर भगवान का किया कराया समझते थे, या फिर कोई देव देवता का किया कराया समझते थे, है ना इसको, या फिर फिलोसॉफिकल इन द सेंस अगर कुछ हुआ तो वो भगवान की करनी है, भगवान करा रहा है, दैट्स ऑल। वो इसको कभी भी केमिस्ट्री के हिसाब से लेने का सोचे ही नहीं। वो जितना भी काम करते थे वो सबको हम क्या नाम से जानेंगे? अल्केमी। और जो कराते थे, जो करते थे, फॉलो करते थे, जो ये फिलोसॉफी को फॉलो करते थे, उनको बोलते थे अल्केमिस्ट। अगर मैं 5000 साल पहले अगर कुछ काम कर रहा होता और ये सब चीज़ें कर रहा होता तो मुझे अल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता। जैसे आज जो इलाज करते हैं उनको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, और जो लॉ पढ़ते हैं उनको लॉयर के नाम से जाना जाता है ना। लॉ जो जज होते हैं उनको जज के नाम से, सुप्रीम कोर्ट जज या प्राइम मिनिस्टर, जो व्हाटएवर, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ सॉरी, जजेस के नाम से, मतलब हर इंडिविजुअल अलग 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 टाइटल मिलता था। तो इनको अल्केमी या अल्केमिस्ट का टाइटल से नवाजा जाता था। अल्केमी जो प्रैक्टिस करते थे, जो केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते थे, उनको उस केमिस्ट्री का फील्ड को पहले अल्केमी बोला जाता था, और जो उस फील्ड को प्रैक्टिस करते थे उनको अल्केमिस्ट बोला जाता था। ये ज़्यादा ही बोल, जो भी प्रोसेस करते थे उन सबको एक हिसाब से मैजिक या ब्लैक मैजिक के नाम से जाना जाता था। उतना उनको सेंस नहीं था कि ये होता कैसे है एंड कैसे कराते हैं। उस समय इनका मेन काम यही था कि वो जितने भी मेटल वर्क करते थे कि किसी भी चीज़ से वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आज जैसे हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्युमिनियम ओर से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन के काम वो करते थे पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से एक्सट्रैक्शन का काम क्या था? गोल्ड एंड सिल्वर का। जो बेस मेटल, जैसे आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, वैसे गोल्ड एंड सिल्वर भी किसी तरह का ओर से एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा। तो उस ओर को ये लोग फिलोसोफर स्टोन के नाम से जानते थे कि हाँ इससे गोल्ड एंड सिल्वर बनाया जा सकता है। और वो इस तरह से इसी सिद्धांत को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, फेल होते थे तो कुछ नया बन जाता था, अगर पास हुआ तो ठीक है, गोल्ड सिल्वर नहीं तो कुछ नया ही इन्वेंट करते थे। तो इनका योगदान बहुत है, इनके छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से ही आज हम कुछ सीखते हैं, और उन्हीं से ही हमारा जो डेवलपमेंट है केमिस्ट्री के फील्ड में वो बढ़ता गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे 17th century आ गया, 18th century आ गया, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया,
उसके बाद से केमिस्ट्री लीप एंड बाउंड जंप किया है, बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ है केमिस्ट्री का, न्यू साइंटिस्ट आ गए, न्यू डिस्कवरीज हुई, और एक डिस्कवरी दूसरा डिस्कवरी को जन्म देता है। दैट मीन्स वंस यू डिस्कवर समथिंग दैट विल अगेन हेल्प टू डिस्कवर अनदर थिंग, है ना। तो जितने भी लॉरेट्स होते थे, जितने भी केमिस्ट होते थे जो अब काम करते थे, उनको किस एक हिसाब से उनको प्राइज मिलता था कि हाँ अच्छे काम कर रहे हो या तुम लोग गुड केमिस्ट हो, तो उनको नोबेल प्राइज से नवाजा जाता था। तो कुछ कुछ नोबेल प्राइज के नाम तुम्हारे बुक में रजिस्टर्ड हैं, जैसे एक का नाम है एंटोनी लवोइजर। अभी एंटोनी लवोइजर कौन थे, उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन कंबशन में कैसे हेल्प करता है ये बताया है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन कैसे क्यों होता है ये सब जान लो। कोई भी जब आग जलती है ना, आग जैसे कोई जल रहा है तो सिंपल ऐसे नहीं जलता है, उसको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला फ्यूल, यानी कोई भी तुम जलने वाली चीज़ें, जैसे लकड़ी हो गया या गैस हो गया या तुम्हारा पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें जलती है। अब उस चीज़ को जलने के लिए तुमको तीन चीज़ चाहिए, फ्यूल चाहिए, तुमको ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के तीनों जब तक मिल जाएंगे तभी तुम्हारा आग जल पाएगा, वरना आग नहीं जलेगा। आइदर फ्यूल नहीं रहेगा तो आग नहीं जल पाएगा, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट नहीं रहेगा। जैसे ठंडा महीना में लकड़ी जलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो आग जलाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। या फिर ऑक्सीजन ना हो, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ तुरंत बुझ जाता है, बुझ जाएगा इनफैक्ट, है ना। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए होता है, और इसी को एंटोनी लवोइजर क्या करता है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑक्सीजन कितना हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है कंबशन में, बस यही एंटोनियो लवोइजर बताया है। इसलिए हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। प्लस इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी निकाला था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि तुम्हारे पास 1 kg का सपोज कुछ था, लोहा है ना, आयरन है, एंड देन यू ब्रेक इट। When you break it, it will break into smaller pieces, like एक 200 ग्राम का पीस बनेगा, एक 700 ग्राम का पीस बनेगा, एक 100 ग्राम का पीस बनेगा, लेकिन तीनों को जब ऐड करोगे तो 1 kg ही निकलेगा। यानी तुम इसका मतलब कि तुम मास को मेंड करो या ब्रेक करो, वो हमेशा अपना कंजर्वेशन फेज में ही रहेगा, मतलब वो आइदर ज़्यादा या कम नहीं हो जाएगा, वो 1 kg का 1 kg ही रहेगा, है ना। इसको तुम और 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दो तो सारा का सम 1 kg ही होगा, या फिर सारा का सम इतना ही होगा जितना था, है कि नहीं। यही एंटोनियो लवोइजर बताया था। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आगे भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल इसमें इतना इंपॉर्टेंस मत दो, बस नाम याद रखो कि एंटोनियो लवोइजर क्या क्या था, डिस्कवर्ड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन, उसको आइदर क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद बहुत सारे नाम, जैसे सेकेंड नाम तुमको याद होगा, नहीं याद नहीं होगा तो फिर भी जान लो, आउच गिर गया। हाँ ठीक है, सेकंड नाम क्या है, डेमिट्री मेंडलीव कौन थे, डेमिट्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाए थे, है ना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि अभी हमारे जो एलिमेंट्स है वो टोटल 108 समथिंग कुछ एलिमेंट्स है जो डिस्कवर्ड हुए हैं, बाकी आगे डिस्कवर होंगे तो होंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको पीरियोडिकली सजाना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना और उनको अरेंज करना उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इतना आसान नहीं था। तो ये प्रॉपर्टीज़ को सजाने वाला काम किसने किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, डिमिट्री मेंडलीव ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे करते करते तुमको 108 तक जाओगे। तो ये सब सजाने का, इनके प्रॉपर्टीज़ को हिसाब से इनको सजाने का काम किसने किया, डिमिट्री मेंडलीव ने। उसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन कौन है, जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि हमारा जो सब कुछ यूनिवर्स का हर एक चीज़ किस में बना है, एटम से बना है। तो पहले एटम्स को, जैसे अणु या परमाणु बोला जाता है, एटम्स को पहले उतना इम्पोर्टेंस या फिर उसके बारे में जो लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, तो डाल्टन ने सबसे पहले मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किए थे। प्लस वो मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर भी उन्होंने ही निकाला था, है ना। एटॉमिक थ्योरी इन द सेंस, आज का जो एटम हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उस समय डाल्टन ने भी यही कहा था कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते होंगे। तो उसके बाद जैसे अगर डाल्टन ने बोल दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, तो सब ने अपना अपना थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते कैसे होंगे।
तो सबसे पहले जे जे थॉम्सन भी एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक सर्कुलर डिस्क या फिर सर्कुलर शेप में होगा, जिसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैसे नेगेटिव नेगेटिव एक एक जगह होंगे। इसको एक तरबूज का एग्जांपल ले लो कि एक तरबूज के अंदर ऐसे तरबूज के जो बीज हैं पूरा टोटल का तरबूज क्या है वो एटम है, और जो मेन तरबूज है जो रेड कलर का वो प्रोटॉन है, एंड जो बीज होते हैं उसके क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉम्सन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स शायद ऐसे प्लम पुडिंग मेथड में होंगे। प्लम पुडिंग मतलब जो एक तरबूज के अंदर जिस तरह से बीज सजे हुए होते हैं, है ना। और उसके बाद इस थ्योरी को नेगेट किया गया, थ्योरी को चैलेंज किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं होता है। उसने कहा कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव मैटर है, पूरा का जो पूरा पॉजिटिव मैटर वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और बाकी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूमते रहते हैं इसके चारों ओर, है ना। रदरफोर्ड ने ये कहा था। और ये क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने बताया था कि जब इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, इसका मैं वीडियो भी भेज दूंगा अलग से, कि जब अल्फा पार्टिकल बस एक हैवियर पार्टिकल है, वो एक हैवियर पार्टिकल है जिसको उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड का फॉयल है, मतलब जो कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हो तो उसके अंदर फॉयल होता है ना, बस एग्जैक्टली वो गोल्ड का फॉयल, लेकिन बहुत पतला, इतना पतला कि अराउंड 1000 एटम से ज़्यादा मोटा ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये नाखून है, इस नाखून में है तो पतला ही, लेकिन ये नाखून में एटलीस्ट मिलियंस ऑफ एटम होंगे। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड को इतना पतली तरह से शीट में बदला था कि उसमें अराउंड सिर्फ 1000 एटम्स ही होंगे, और उस गोल्ड फॉयल को अल्फा पार्टिकल का रे जो होता है, रे पास हो रहा था उसके बीच में उसने डाल दिया, और इधर कुछ कुछ मेटल डिटेक्टर रखा, है ना, ये डिटेक्टर है, इस तरह से डिटेक्टर रखा, और फिर लाइट्स को पास होने दिया। लाइट को पास जब फॉयल के थ्रू पास हुई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम लाइट तो पास हो जा रही है, कुछ 1% डिफ्लेक्ट हुई इधर, एंड बहुत कम, रेयरेस्ट रिबाउंड हो गई, वापस चली गई, आ तो रहे थे सब कुछ, कुछ पार हो गए, मैक्सिमम पार हो गए, एक या दो रिबाउंड कर गए, और ऐसा कुछ कुछ भी थे जो रिटर्न बैक हो गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, एंड देन उन्होंने प्रपोज किया कि ऐसा तभी हो सकता है कि जब जब सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक जगह में होगा और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर में घूम रहे होंगे, इसका मतलब इतना बड़ा एटम में मैक्सिमम जगह खाली होगा। मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है, दैट्स वाई सारे जो पार्टिकल्स हैं, सारे जो रेज हैं वो पार हो जा रही हैं, और जो पॉजिटिव जो अंदर में जो डेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसमें से कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ रेयर डिफ्लेक्ट हो जा रही है, और कुछ जो सीधा टकरा रही हैं वो वापस रिटर्न आ जा रही हैं। तो उन्होंने तीन चार चीज़ें ये बताई कि ऐसे प्लम पुडिंग मेथड में इलेक्ट्रॉन्स हर जगह या फिर प्रोटॉन्स पूरा का पूरा हर जगह नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर सेंटर ऑफ एटम में प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं, और बहुत खाली जगह, एटलीस्ट 99.99% जगह पूरा का पूरा एटम में खाली होता है, तो मैक्सिमम लाइट्स पास हो जा रही है, कुछ क्या हो रही है, जो जाके प्रोटॉन से टकरा रही है वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है, एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जाके वापस बाउंस बैक हो जा रही है, है ना। लेकिन उनका कुछ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, उस ड्रॉबैक्स को नील बोहर ठीक करते हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है कि प्रोटॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमते रहती हैं, बट नील रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमती हैं और लास्ट में घूमते घूमते जाके प्रोटॉन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बट नील बोहर ने कहा कि नहीं, उनका एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है कि सपोज ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, और ये एक एनर्जी लेवल है ना, जो बाहर सर्कुलर जगह है ये एक एनर्जी लेवल है, तो अपने एनर्जी लेवल पे ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, एंड वो कभी भी जाके प्रोटॉन्स में जाके न्यूक्लियस, इसको सेंटर जो पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस पे जाके टकराती नहीं है, है ना। तो इतने सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग तरीके की थ्योरीज होती थी उनकी, कुछ थ्योरी सही होती थी, कुछ थ्योरी गलत होती थी, जो थ्योरी गलत होती थी उनको फिर से रिवाइज किया जाता था, नया बनाया जाता था, नया साइंटिस्ट पैदा होते थे, एंड इस तरह केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हज़ारों सालों में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इंडियन साइंटिस्ट भी कुछ हैं, इंडियन नेम्स भी कुछ हैं जो हमारे बुक में है, उनको याद रखने की कोशिश करना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम
तुम लोग थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर, मेंडलीव, और उधर जो मेंडलीव एंड एंटोनियो लुवाइजर को याद रखने की कोशिश करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एंड सेकंड, तुम लोग को अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कितना है ना, हमारे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कितना है आज के टाइम पे। तो केमिस्ट्री हर जगह तुमको मिलेगा, हर जगह, दैट इनफैक्ट हर कहीं भी तुम जाओ, जो भी तुम सामान इस्तेमाल कर रहे हो, घर हो या बाहर हो, कहीं पर भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल हर जगह है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ बुक में दिए गए हैं, जैसे फूड एंड इट्स प्रिजर्वेटिव, फूड और प्रिजर्वेटिव्स में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, आम और केला को पकाने के लिए हम लोग कुछ कुछ डालते हैं एडेड, वो एक हिसाब से फूड को पकाने के लिए। इनफैक्ट न्यूज़ में तुम लोग सुने होगा कि केमिकल्स डाल के सब्जियों को बड़ा किया जाता है, इस तरह का न्यूज़ तुम लोग को आता होगा। तो वो एक हिसाब से केमिकल का गलत उपयोग है, लेकिन केमिकल्स और केमिस्ट्री का सही उपयोग बहुत जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे सोडियम बेंजोएट, याद रखने की कोशिश करना, सोडियम बेंजोएट जो कि किसको प्रिजर्व करता है, फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस एंड सलाड, यानी कि जो बेवरेजेस इन द सेंस जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे वाइन, बियर एंड फूड प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्ट का, विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, जो बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिन चीज़ों में बैक्टीरिया लग जाती है उनको, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, कि बैक्टीरिया ना लगे, उसके लिए शुगर, सॉल्ट, विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉर्बिक एसिड, याद रखने का जरूरत है, सॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, किसको बचाने के लिए, फिश को, शी फूड को, फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स को, कुकीज़ को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं, जैसे मेटासल्फेट, मेटाबाइसल्फेट, सलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, प्रोपिनिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, ये सब नाम रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को याद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किसमें इस्तेमाल होती है, फूड को प्रिजर्व करने में, फूड को बचाने में, ताकि फूड ज़्यादा दिन तक चल सके, है ना। सेब हो या संतरा हो या जो भी हो, इस टाइप के फ्रूट्स को भी बहुत दूर से लाया जाता है, तो उनको प्रिजर्व करके लाया जाता है, नहीं तो वो 3-4 दिन में ख़राब हो जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएगा, सड़ जाएंगे। उनको बचाने के लिए प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल होता है। जो हम बोलते हैं कि 6 मंथ का जितना भी फूड प्रोडक्ट्स तुम खाते हो, उनमें 6 मंथ का वारंटी पीरियड, मतलब क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है। ये सब एक्सपायरी डेट क्यों होता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव 6 महीना तक काम कर सकता है या 2 महीना तक काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, है ना। तो इस ताकि एटलीस्ट उतना जब प्रिजर्व हो जाएगा तो एटलीस्ट खाना वेस्ट ना हो। आजकल हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खाना वेस्ट बहुत करते हैं, खाना वेस्ट बहुत चला जाता है, तो उन खानों को, खाना वेस्ट ना हो, इसीलिए फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। सेकेंड, उगाने में भी इस्तेमाल होता है, फूड प्रिजर्व तो करते ही हैं, उगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होता है, जैसे जिसको तुम खाद बोलते हो या माइद बोलते हो, वाट एवर यू कैन से, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है उगाने के लिए। अगर फर्टिलाइजर नहीं होंगे तो एक ही खेत में सपोज 1 क्विंटल चावल उग रहा था, तो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करोगे तो शायद 2 क्विंटल चावल उग जाए। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो जितने भी कीड़ा मकोड़े लग जाते हैं खेतों में, उनको भगाने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल हम इसी तरह के करते हैं। जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मेन हम लोग को चूहा मारने के लिए इस्तेमाल होता है ना, एंड अलग अलग तरीके के पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, फंगिसाइड फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, और वीडिसाइड एक्चुअली बुक में है नहीं, बट वीडिसाइड याद रख लो, वीडिसाइड घास को मारने के लिए, ग्रास ग्रास को मारने के लिए भी वीडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो फूड हो वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से हम उनका इस्तेमाल कर सके। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत जोरदार तरीके से केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इन द सेंस तुम डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, अमूल दूध हो या ओमफेड दूध हो, या तुम्हारा कोई भी बिस्किट पैकेट या मिक्सचर पैकेट, या तुम्हारा जो चिप्स, कुरकुरे, लेस जो भी आते हैं, सब प्रिजर्व होते हैं। प्रिजर्व नहीं होंगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना। और इन प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल कहाँ से होता है, केमिकल्स से ही होता है, तभी वो बचे रहते हैं 6 महीना, 5, 4 महीना, 2 महीना, वाट एवर टाइम, जो टाइम लिमिट लिखा रहता है। कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री इंडस्ट्री में भी बहुत जोर होता है, जो तुम, खासकर लड़कियों को सारा पता होगा कि क्या क्या होता है, जैसे लिपस्टिक हो गया एंड सन्स, क्या बोलते हैं, लोशंस हो गया, क्रीम्स हो गया, पाउडर्स हो गए, एंड देन
सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, सारे के सारे जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स जो भी है जो तुमको आसपास एनवायरनमेंट में दिखता है, सारे के सारे केमिकल से बने हुए। यहाँ दो एग्जांपल लिखा हुआ है, एक लिपस्टिक एंड एक टेलकम पाउडर। लिपस्टिक किससे बनता है? ऑयल है, उसमें वैक्स है, पिगमेंट्स है, कलर है एंड स्किन सॉफ्टनर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमोलमेंट्स भी बोलते हैं। टेलकम पाउडर जैसे टाल्क, टाल्क क्या होता है, बेसिकली मिनरल्स है। मिनरल्स क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हुए हैं जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सबको मिला के टेलकम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लोग अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए या अच्छे दिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड क्लोदिंग में इस्तेमाल होता है। क्लोदिंग में कैसे इस्तेमाल होगा? पहले तो हम सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनते थे या जूट के कपड़े पहनते थे, बट अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब नायलॉन के कपड़े आते हैं, रेयन के कपड़े आते हैं, टेरिलिन के कपड़े आते हैं, है ना, टेरिलिन के कपड़े आते हैं, नायलॉन कपड़े आते हैं, और ये सब सारे सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है, सिंथेटिक फाइबर है। और सिंथेटिक फाइबर्स कहाँ से बनेंगे? केमिकल से बनेंगे, है ना। तो फाइबर से फैब्रिक, फाइबर जो बनता है केमिकल, उसको फैब्रिक में चेंज करता कौन है? केमिकल्स। और उसी को हम फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं। और लार्जली हम मेडिसिन में भी केमिकल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस्पिरिन इस्तेमाल करते हैं, पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं, पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं, ये सब सारे केमिकल्स हैं। एस्पिरिन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू रिड्यूस फीवर, कॉमन कोल्ड, जब बुखार हो जाता है तो क्या खाते हैं? एस्पिरिन खाते हैं। पैरासीटामोल किस लिए खाते हैं? टू रिड्यूस फीवर, सेम चीज, टू रिड्यूस फीवर एंड रिड्यूस पेन। जब भी बुखार होता है तो आइदर हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं या फिर एस्पिरिन खाते हैं। पेनिसिलिन किस लिए खाते हैं? पेनिसिलिन इसलिए खाते हैं कि अगर हमको इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया है किसी भी तरीके से, जिसका कॉज बाय बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया तुमको इन्फेक्शन कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? पेनिसिलिन खाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें केमिकल से बनती हैं। आसपास के जितने भी चीज़ें तुम देख रहे हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारी चीज़ें केमिकल या केमिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, एंड उसी से बनी होती हैं। तो इसका इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। फूड में है, तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग में है, तुम्हारा क्लोदिंग में है, हर चीज़ में, मेडिसिन में, सब जगह केमिकल का इस्तेमाल है। लेकिन केमिकल्स का इस्तेमाल भी वाइजली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिकल्स का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी केमिकल इस्तेमाल कर दो, एंड अगर केमिकल है भी तुम बिना जाने उसका इस्तेमाल करो तो तुम्हारी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, फूड्स को पकाया जाता है थ्रू केमिकल्स, ये बहुत गलत बात है, है ना। एक हिसाब से उसमें केमिकल्स ऐड हो रहा है, एंड देन दैट केमिकल विल इवेंचुअली हार्म आवर बॉडी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ज़्यादा है या कम है। इफ़ ज़्यादा है देन डेफिनेटली इट विल हार्म अस। तो इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, तभी ही हम अच्छे से इस केमिकल्स को या केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पहला चैप्टर है केमिकल्स केमिस्ट्री का, एंड देन इवेंचुअली हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू।